हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग बनाएंगे ये जो रिमोट आप देख रहे हैं, ये रिमोट हम लोग बनाएंगे घर पे। तो इस पर बहुत सारे बटन हैं, सभी बटन आप बना सकते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं आपको बताएंगे। और मैंने जो बनाया है, ये जो रिमोट आप देख रहे हैं, इस पर सिर्फ 5 बटन हमने लगाया है, जो कि पावर बटन है, वॉल्यूम जो प्लस है और वॉल्यूम माइनस है, और चैनल प्लस चैनल माइनस। तो ये 5 बटन से हमने बनाया है। आप चाहे तो सारे बटन आप यूज कर सकते हैं। तो ये रिमोट किस प्रकार से बनते हैं आज हम लोग सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखते रहे वीडियो। मैं अगांति और रोबोटिक्स क्रांति में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी देख सकते हैं टीवी का रिमोट जो है उसको हमने सेम टू सेम छोटा करके बनाया है। तो पावर ऑन करने से ये पावर ऑन हो जा रहा है। और अभी इस पर देखिए वॉल्यूम पॉजिटिव और वॉल्यूम नेगेटिव लगाया है, और चैनल पॉजिटिव चैनल नेगेटिव। तो अभी वॉल्यूम बढ़ा के आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तो जब भी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ये साउंड इंक्रीज हो रहा है, देखा आपने। और कम करने से ये साउंड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अभी देखिए फिर से बढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और फिर से माइनस करेंगे तो ये वॉल्यूम माइनस हो रहा है। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। अभी देखिए चैनल को प्लस करेंगे तो एक नंबर चैनल है, अभी 2 नंबर हो गया है, देखा आपने। तो अभी माइनस करेंगे चैनल को, देखिए फिर से 1 नंबर हो गया है। तो इस प्रकार से आप चैनल और वॉल्यूम दोनों बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी कम हो गया है। इस प्रकार से ये काम करते हैं। अभी टीवी को बंद कर देते हैं तो पावर बंद हो गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। रिमोट के की जब भी दबाते हैं तो इसका जो आउटपुट होते हैं इंफ्रारेड के माध्यम से ये आउटपुट होते हैं। वो IR LED अगर देखना है तो VGA कैमरा से हम लोगों को देखना पड़ता है। तो ये डेटा किस प्रकार से होते हैं हम लोग पहले इसको निकालना होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग को 3 पिन वाला IR सेंसर लेना होगा, जिसका पिन होगा पहले वाला डेटा, बीच का जो नेगेटिव और लास्ट का पॉजिटिव होगा। सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड पे आर्डिनो बोर्ड लगाएंगे अच्छी तरह, उसके बाद IR सेंसर को ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे और इसका सभी कनेक्शन एक एक करके फिट करेंगे। पॉजिटिव को आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट पे, और नेगेटिव को आर्डिनो बोर्ड के जो ग्राउंड है इस पर, और डेटा पिन जो है उसको हम लोग आर्डिनो बोर्ड के 11 नंबर पिन पे फिट करेंगे। इस पर प्रोग्रामिंग डालेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आर्डिनो का सॉफ्टवेयर खोलेंगे, उसके बाद फाइल में जाके एग्जांपल पे जाके IR रिमोट के अंदर IR रिसीवर डंप V2 को ओपन करेंगे। इस पर देख सकते हैं 11 नंबर को आउटपुट कर दिया है। अभी सिर्फ इसको अपलोड कर देना है। प्रोग्राम पूरी तरह अपलोड होने के बाद कंप्यूटर में सीरियल मॉनिटर को यहाँ से ओपन करेंगे, और रिमोट के जो जो बटन के प्रोग्रामिंग को जानना है यहाँ से प्रेस करेंगे, और कंप्यूटर के जो मॉनिटर है इस पर डिस्प्ले आ जाएगा सभी प्रोग्रामिंग का जो की है। तो सभी एक एक करके जो जो हम लोगों को चाहिए वही की को हम लोग दबाएंगे और इसका प्रोग्रामिंग ले लेंगे। और प्रोग्रामिंग आने के बाद अभी देखिए यहाँ पे जो कि हम लोगों को डाटा यहाँ पे कोडिंग को मिल जाएगा, यहाँ को कॉपी करके हम लोग इस पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो प्रोग्राम है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर सिर्फ खोल के आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके पेस्ट कर देना है। और भी अगर ज़्यादा चाहिए की तो आप लोगों को कॉपी करके इसको ज़्यादा करके पेस्ट कर देना है, बस इतना ही काम है। उसके बाद अपलोड कर देना है, और अपलोड होने के बाद इसका जो प्रोग्रामिंग है वो काम करेगा। आप आर्डिनो पे भी अपलोड कर सकते हैं, मैं 8020 पे अपलोड कर दिया हूँ, बस यही है काम। उसके बाद हम लोग चलिए सर्किट को बनाते हैं, बना के इसको अपलोड करेंगे।